अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, फिर फाट होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंस रहे हैं, मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जो है मिस्त्री और मज़दूर जो हैं वो नहीं आए हैं, वो छुट्टी कर गए हैं और काम मेरा अभी रहता है बहुत सारा। ये देखें, प्लस्तर भी नहीं हुआ पिलर, और ये डिज़ाइन भी प्लस्तर नहीं हुआ सामने जो आपको नज़र आ रहा है, और पिलर के डिज़ाइन भी प्लस्तर नहीं हुए, और वॉशरूम के टैलें लगानी थी और सेटिंग करनी थी वो भी नहीं हुआ, और इधर ये सीढ़ियाँ भी प्लस्तर नहीं हुई हैं, ये बड़ी वाली सीढ़ी भी प्लस्तर नहीं हुई है। तो पहले क्यों बस कर गए हैं मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है। चलें देखते हैं, कल आ जाएं शायद, हो सकता है। तो ये है छत, अब कुछ सूख गई है, कुछ अभी सिनी है, अब इस पर बंदा चल भी सकता है, लेकिन इस पर ये सुराख क्यों है? ये देखें, ये सुराख है, ये भी सुराख है, ये भी सुराख है, ऐसे सुराख बहुत है इसके ऊपर। तो पता नहीं ये किस वजह से आए हैं। और ये देखें, इधर बंद करेंगे ना, जाली लगाएंगे अभी, जैसे पानी जाना है ना पाइप, उसमें बोरा दे दिया है तो सारा पानी इधर खड़ा था, तो इसलिए फ्रंट जो है हमारा गीला गीला सा लग रहा था। अब लेवल जो है इसका कंप्लीट हो चुका है, अब उधर से सारा पानी इकट्ठा होके उस कोने में चला जाएगा हमारे पाइप के अंदर। तो कैसा नज़र आएगा आप मुझे बताना चाहोगे? मुंशी ने लगाना था पानी, लेकिन मुंशी अभी तक आया नहीं है। कहाँ गया मुंशी? मुंशी कहाँ गए हो काके? मुंशी आज शुक्र है हवा चल रही है, और गर्मी की शिद्दत बहुत कम नज़र आ रही है। ये देखें, बहुत सारी हवा चल रही है आज, ये देखें कितनी, देखें हवा चल रही है, ठंडी 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 हवा चल रही है, और गर्मी आज कुछ कम नज़र आ रही है। मुंशी कहाँ है? इधर कोई भी नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर से क्या निकल आया है? ओ तेरी, इतना सारा मिसाला निकल आया इधर, डिब्बे बने रखे हैं। ये नीरू था, अब ये तो इधर पक चुका है, फिर अगर मुखलिस भाई इधर क्या बोलते हैं मार्बल लगाना चाहें तो फिर ये मसला करेगा, तो इसका क्या इलाज है आपने मुझे ज़रूर बताना है। इधर भी कोई नहीं, उधर भी कोई नहीं, जिधर भी कोई नहीं, ट्यूबवेल पे हैं, ट्यूबवेल पे है। अब क्यों छप रहे हो कवरे साहब, बड़े चलाक? देख लिया सारा काम भाई, रंग कर रहा है वो, सॉरी रंग नहीं, वो वाइट सीमेंट कर रहा है। ये देखें,
ये छत की वजह से ना ये सारा सिस्टम गीला हो गया है। तो जब छत सूख जाएगी ना उसके बाद ये सारा कुछ खत्म थी जाएगा। वो वाइट सीमेंट कर रहा है और जिस कमरे में उसने वाइट सीमेंट कर लिया है उसमें रोशनी बढ़ गई है और जिसमें उसने अभी तक नहीं किया उसमें अंधेरा बहुत है। मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ, ये देखें अभी आपको फर्क का पता चल जाएगा। इधर है अंधेरा और इधर है रोशनी। ये देखें ये वाइट सीमेंट लगाने से ना रोशनी बढ़ गई है। आप देखें कैसा नजर आ रहा है, ये देखें। फिर इसके साथ वाइट के साथ मैं कैसा लग रहा हूँ, वाइट वाइट चिट्टा चिट्टा लग रहा हूँ, मेरी शक्ल काली लग रही है। चला देना तो हमारा किचन भी चालू हो जाएगा। और ये देखें इधर हमने डाली है बजरी, ये इसके अंदर हमने बजरी डाल दिया है, इधर से शापर लगा दिया है ताकि मुखलिस भाई की तरफ वो क्या बोलते हैं पानी ना जाए। अभी मैं इसको पानी लगाऊंगा, मोटर चलाता हूँ, ये वाला पानी इधर लगा देता हूँ सारा। इसको भी पानी दूँगा, नीम को भी, मुंशी को ढूँढ लूँ। सबसे पहले मुंशी को ढूंढ लेता हूँ। इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, आज समझे रौनक ही नहीं है क्योंकि वो उसको क्या बोलते हैं वो पाइप तो मैंने उधर डाला नहीं, वो क्या बोलते हैं हाँ अक्सर लोग जो हैं वो नहीं हैं कराची, कोई चला गया है, कोई उमरे पे गए हैं। अल्लाह पाक उनको खैर खुशी से पहुँचा दे। तो फिर जब हर कोई वापस आ जाएंगे ना फिर एक बार फिर रौनक बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। देख के चलना पड़ता है क्योंकि आजकल सांप बहुत बार आए हैं। वो चल गई है मोटर, वो चल गई है। ये ऐसा ऐसा पानी खींचती है ना बजरी, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और बजरी ऊपर आ जाएगी, फिर बेहतरीन हमारी ये नीम जो है ना ये जल्दी बड़ी हो जाएगी। और जो रंग बिरंगे पत्थर होते हैं ना वो इसमें डाल लेते हैं ना और खूबसूरती बन जानी थी।
और ये नलका जो है इसका जो फर्श है ना वो जब ये दीवार सामने वाली प्लास्टर करेंगे ना इसको फिर बनाएंगे। अब देखें नीम के अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहा, इसको फिर डालना पड़ेगा पानी। तो सारे इधर उधर जो है मैं पानी लगा लूँ फिर आपके साथ मिलूँगा, नहीं तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। बिस्मिल्लाह करके बताना हो ये वाला जो हमारा आइडिया है वो फेल हो चुका है क्योंकि इधर पानी सारा आ चुका है। मुखलिस भाई के घर सामने नीम खड़ी है, नीम को मैंने लगाया पानी तो छापर भी दिया था लेकिन फिर भी इधर से पानी आ रहा है, तो ये बहुत ख़तरनाक काम हो चुका है। और इधर से भी पानी आ रहा है, खैर इधर से तो प्लास्टर हो जाएगी, जो इधर सामने से पानी निकल रहा है ना ये तो प्लास्टर हो जाएगी, तो ये पानी जो है रुक सकता है ये जो आ रहा है। और वो वाला जो है ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये, मुझे लगता है हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी इसकी। और उधर से भी आया है पानी, हमारी तरफ से भी पानी आया, उधर से कहां से आया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जो पानी है ना ये जा रहा है ना ये इधर से निकल रहा था, इधर से निकल रहा था पानी, तो इधर जो भी पानी डाला है सारा इधर उधर से निकल गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना ही होना चाहिए था, ये बहुत गलत काम हो गया है। हमने चाय पी लिया है, अभी चलते हैं घर की तरफ, कप भी देते हैं वापस, और ये गाड़ी भी निकालनी है क्योंकि भाई जो कलर कर रहे हैं ना वो फिर फ्रंट को कलर करेंगे सीढ़ी लगा के, तो हमारी गाड़ी पर छींटे ना पड़ जाएं, इसलिए गाड़ी भी निकालते हैं। अगर आपने भी चाय पीनी है तो आकर पी सकते हैं। ये कोप लेना चाहोगे? हाँ जी। कहाँ रख छोड़ूं? उधर अंदर। नूरुद्दीन को नहला रहे हो? हाँ जी। इधर रख छोड़ते हैं, इधर 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 हमने रख दिया है कप, और ये देखिए हमारा सीमेंट 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 20 बोरी सीमेंट हमारी पहुंच चुकी है, और ये अब 1210 रुपए की हो गई है, इसलिए कल जो हमने चक्कर मंगवाया है उसके पैसे हमें बहुत ज़्यादा देने पड़े हैं। हाँ मुंशी साहब, क्या कर रहे हो मुंशी साहब? हाँ मिस्त्री मजदूर नहीं आया यार, हाँ वाइट सीमेंट वाला सिर्फ कर रहा है कलर। चलें ये सही हो गया जी, तो भिंडियाँ शिंडियाँ बनाई नहीं है, भिंडियाँ कहाँ हैं? भिंडियाँ सवेरा काट रही है। अच्छा हाँ जी। सलाम दुआ आज मेरे चैनल में सलाम दुआ कर छोड़ो, इधर आके कर छोड़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तमाम हमारे बहन भाई देखने वाले उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, अल्लाह पाक उनको
ठीक रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। अभी मैं नूर मोहम्मद को रेडी कर रही हूँ, नहला दिया है तो उसे कपड़े पहना दूँ और दवाई भी लगा दूँ। सही बात है। और क्या उसको बोलते हैं, फिर मिस्त्री जो मजदूर नहीं है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारा काम देखे बंद हो गया है। तो कंप्लीट हो जावे जल्दी जल्दी, हम ये सोचते हैं। जी हाँ, हम कहते हैं जल्दी जल्दी हमारा घर बन जाए और हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाएं। हाँ जी, फिर मुंशी की शादी हो जावे। हाँ जी। फिर मुंशी को, मुंशी जो है फिर शादीशुदा थी जावे। चलें सही है, आप नूरुद्दीन को रेडी करें, भिंडियाँ शिंडियाँ पकाएं। हाँ, हमने गाड़ी निकालनी है मुंशी साहब, उसे मैंने कहा है सीढ़ी जो है ना किराए की, उसको जल्दी वेला करो ना, मतलब पीछे वाली ग्रिलें जो है वो कलर कर लो सीढ़ी लगा के, आगे वाला फ्रंट जो है वो भी सीढ़ी लगा के कलर कर लो, बाकी जो घोड़ी का काम है वो फिर करते रहना, सीढ़ी वापस कर देना, ऐसे खाम खा किराया भर रहे हो, क्या फ़ायदा है। तो उसने कहा फिर गाड़ी निकालो, मैं जो है ना अंदर छत कर लूँ, फिर मैं फ्रंट करूँगा और ग्रिलें करूँगा। गाड़ी बाहर निकाल। हाँ, गाड़ी बाहर निकाल देते हैं। आ जाओ, गेट खोलो। तो वो जो नीम है ना उसमें पानी छोड़ा है ना, वो सारा मुखलिल भाई के घर निकल गया और हमारे घर निकल गया। पानी कैसे निकला? मैंने पानी लगाया ना, आपने छत को पानी लगाया है? नहीं, पानी छत को पानी लगाना है ना अभी। मैं रात तक कर लेता हूँ उस्ताद से। उसने कहा है कल कल पड़ी है, मैं ऊपर फिरता रहा हूँ, सूखी पड़ी है। तो उसने कहा था सुबह जाना इसको पानी लगा देना हल्का हल्का। चलो ठीक है, ये पैंप ले। ज़्यादा नहीं लगाना, ऐसे हल्का हल्का लगा देना। वो मुखलिस के अंदर जो है ना वो हमारा देखा वो है? जम गया है ना, जम गया है। वो उखाड़ दो ना देसी लेकर, या ये हथौड़ी लेकर ना ऐसा ऐसा वो उखाड़ दो सारा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा सिस्टम। मैंने दिखाया है वीडियो में, बहुत सारे टिब्बे बने पड़े हैं, वो सारा नीरू उधर निकल गया है। चलो। हाँ जी, आ जाओ। तो गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी निकालने के बाद जो है मुंशी पानी लगाएगा। ये पैंप अभी से खोल लो ना, खोल के ये पैंप ले आवो, छत के ऊपर पानी लगावो। तो मैं गाड़ी बाहर निकाल लूँगा, आपने पानी लगा देना है, फिर कलर करने वाले भाई ने अपना काम दिखाना है। सहारा मिल गया। इधर से क्यों पानी आ रहा है? इधर वो सेमा सेमा है, हर तरफ से पानी निकल रहे हैं, पता नहीं अब क्या होता है। ये देखिए इधर भी पानी है सारा, ये मुंशी ने पानी निकाल दिया है पैप वाला। हाँ, वो उसकी टैंकी फुल है, इसको लगा दो ना, इस मोटर को, इस मोटर पे पैंप लगा दो। उबार टैंकी नहीं रखी। वो टैंकी रख दो ना, अब टैंकी लगा दो, टैंकी लगा के फिर ये वाली मोटर चला लो, वाल बंद कर देना फिर। हाँ, नॉर्मल लगाना है ना पानी को? हाँ, नॉर्मल ही लगाना है, बहुत सारा तो नहीं लगाना, नॉर्मल लगा लेते हैं पानी टैंकी से। तो फिर कल कल जो है ना टैंकी सेट करेंगे। बिल्कुल, क्लिप तो नहीं है, आप ऐसे घील के आए हो, मुझे लगता है रास्ते में गिर गया होगा।